और खबर पानीपत से आ रही है, जहां पर मेयर के वार्ड में जमकर घोटाला हुआ है। 43 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। खुलासे के बाद निगम कमिश्नर ने जेई को सस्पेंड कर दिया है। दो अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया है, इनसे जवाब मांगा गया है। भ्रष्टाचार की शिकायतें चंडीगढ़ तक पहुंची, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। मेयर के वार्ड में जमकर घोटाला हुआ है। 43 लाख रुपए का घोटाला है जो कि उजागर हुआ है। खुलासे के बाद निगम कमिश्नर ने एक जेई को सस्पेंड किया है, दो अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। पानीपत से खबर, यहां पर मेयर वार्ड में घोटाला हुआ है 43 लाख रुपए का। खुलासे के बाद कार्रवाई भी हुई है, एक जेई को सस्पेंड किया गया है और दो अधिकारियों को नोटिस भी भेजा गया है। भ्रष्टाचार की शिकायतें चंडीगढ़ तक पहुंची, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। पानीपत के मेयर वार्ड में 43 लाख रुपए का घोटाला। एक बड़ा घोटाला पानीपत मेयर में। देवेंद्र कथोरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र, ये घोटाला क्या है, कैसे खुलासा हुआ और क्या कार्रवाई होगी अब? देखिए पूजा, पानीपत के जो मेयर हैं, सुरेश वर्मा नाम है, वार्ड 7 के मेयर हैं। वार्ड इनका 7 है, 5-6 से मेयर बने थे और काफी पीछे जब मेयर बनने की बारी थी तो मुख्यमंत्री के चाहने के बावजूद बीजेपी का मेयर नहीं बना था, ये कांग्रेस समर्थित मेयर हैं। तो खैर उस बाजी को ये जीत गए थे, लेकिन अब इनके वार्ड 7 में एक प्राइवेट जगह पर किसी की मलकियत है, उस पर 43 लाख रुपए लगाकर कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा था। ये इस मामले की शिकायत पीएम विंडो पे गई थी, बड़े अधिकारी को गई थी, तो जांच हुई तो ये पता लगा कि किसी प्राइवेट आदमी की जमीन पर 43 लाख की कीमत से कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका निगम से कोई लेना देना नहीं। एक तो ये खुलासा हुआ है, दूसरा वहां पर कुछ वो जिम वगैरह हेल्थ एक्सरसाइज के लिए कुछ वो भी बनाया जा रहा है, उसमें भी घपलेबाजी है। इस सारे मामले में नगर निगम कमिश्नर ने एक जेई नवीन को सस्पेंड किया है और जो एक्सीएन है आरडी शर्मा एक्सीएन है और एक एमई है, एमई जो एसडीओ होते हैं, तो उन दोनों को नोटिस जारी किया गया। ये मामला डीसी तक भी पहुंचा है, डीसी ने दोनों कार्यों की जो पेमेंट रुकवा दी। और मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा घपलेबाजी महाभाग की स्थिति है पानीपत नगर निगम में। हालांकि बीजेपी की पार्षदों का बहुमत है, उसके बावजूद अब तक चाहिए और पार्षदों में खींचतान चल रही है और ये दो ताजे घोटाले जो है मेयर के वार्ड में ये सामने आए हैं। जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात तो करती है सरकार देवेंद्र, लेकिन जिनको करना होता है वो किसी न किसी तरीके से कर ही लेते हैं और कानून के बिना डरे। बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताऊं, मैं कई बार सोचता हूं कि सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री बीजेपी के, सांसद करनाल पानीपत के अश्विनी चोपड़ा है, चारों विधायक पानीपत जिले से बीजेपी के और पार्षदों का बहुमत है नगर निगम, उसके बावजूद भी महाभारत की स्थिति है, घपलेबाजी, भ्रष्टाचार, ये सब मतलब ये सारी चीजें देख के लगता है बहुत बुरी हालत है पानीपत नगर निगम की। जी शुक्रिया आपका देवेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए।